मैं खुलम खुला कहना चाहता हूँ, कुलियर नाम लिया है जनरल सतबीर, जो कि उसको डील कर रहा था, उन लोगों ने हमें धोखा दिया। लेडी को आप विधवा को पेंशन 13,000-17,000 दे रहे हो, एक वही अधिकारी को आप उसको 75,000। 3 अप्रैल को जब कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक हर जिले में उस जिले के पूर्व सैनिक ज्ञापन सौंपेंगे। अपनी बुखार दिमाग में चढ़ा हुआ है, अभी ताने में बुखार 2024 में धरना है, अभी तो धरना ऐसे ही रहा, तो वो बुखार है। कई सारे लोग कह रहे हैं अचानक से जागरूकता कैसे आ गई आप लोगों में, अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं, पहले नाम मेरा कैप्टन राजेंद्र सुहाग। हाँ जी बताइए। मैं जो है जो रिवाड़ी में 2013 में जो रैली हुई थी उसमें भी मैं ऑर्गेनाइजर था, वहीं से जो है ना हमारे हम 40 साल से 73 से वो आरोपी के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ पर हमें जो है ना हमारे प्रधानमंत्री के जो है जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनको प्रेजेंट किया था, जितने नेक्स्ट में पीएम का जनून को कैंडिडेट बनाया गया, उन्होंने हमें अश्योर किया था। और उस टाइम जो आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब वो जो है अध्यक्ष थे, इसके बीजेपी के अध्यक्ष थे, इन दोनों ने हमको अश्योर किया था कि अगर आप लोग हमारी सरकार ले आते हो तो हम जो है आपको विद इन 1 month जो है आपको आरोपी देंगे। कई सारे लोगों को ये फेक भी लगेगा, इसका कोई प्रमाण है आप लोगों के पास? हाँ प्रूफ है हमारे पास में, हमने खुद रैली की थी, इसकी तारीख है, मैंने खुद उसका ऑर्गेनाइजर था और हमारे पास में दिया है, हमने इसको नहीं मालूम है, सभी को पूरे देश में गया हुआ था। तो मतलब ये मुद्दा जो है मात्र 25 दिनों का नहीं है, ये मुद्दा है 73 से है मुद्दा चल रहा है आरोपी का, अभी नहीं चल रहा। ये आरोपी मांग इसलिए की गई थी, जैसे मतलब हमारे जो है हमारे जवान जैसे जो है 35 से लेकर 45 तक की एज में जो है रिटायर हो जाते हैं, उनका कोई सेकंड कैरियर नहीं है, या तो हमें मांग थी हमारी, या तो हमें सेकंड कैरियर दिया जाए, जैसे पैरा फोर्सेज है या और में उनमें इनरोल किया जाए दोबारा तो हमें कोई प्रॉब्लम, ओ आर ओ पी का मतलब जाते क्योंकि इनको सेकंड कैरियर इनका है नहीं तो हमें ओ आर ओ पी दिया जाए, क्योंकि जो है जो 2005 में रिटायर हुआ है उसको ज्यादा हो गई थी पेंशन। अच्छा जनता को बताइए किस प्रकार से ऑफिसर और आप लोगों में भेदभाव किया जा रहा है। मैं जो ये जो जनरल सतबीर साहब जो है ने जो है जंतर मंत्र पर जो रैली करी थी मैं उसमें भी था। अच्छा। उनके साथ में जो जितना भी स्टेज मेंटेनेंस था जो था मेरा ही था, माइक जो है संभालना मेरा ही काम था और मैं ही था उसमें काफ़ी रहा जो है ना, क्योंकि हम जो है किसी पर विश्वास करते हैं, जो जैसे परिवार में जन एक जो है उनके दादा दूदा होते जो परिवार को चलाते हैं तो हम उन्हीं पर विश्वास करते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा करेगा, जो करेगा तो हमारा पिताजी ही करेगा। मगर मैं खुलम खुला कहना चाहता हूँ इन लोगों ने, मैं कई बार क्वेश्चन भी किया उसमें कि जो आप जो ओआरपी देते हैं के लिए जो है जितने भी आपने मेमोरेंडम दिए हैं एमओडी में आप हमको उसकी एक कॉपी चाहिए। इसी बात पे मेरी और सतबीर की बात बिगड़ गई, वो बोला साहब आप क्या करोगे, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए इधर ये क्या बोल रहे हैं और एमओडी में क्या दे रहे हैं। जाहिर तौर पर जानकारी होना तो बेहद आवश्यक है और ये तो संविधान में भी लिखा है, समानता का अधिकार की तो बात की जाती है लेकिन अफसोसन इन लोगों को मिला नहीं। अच्छा देखिए कई सारे लोग कह रहे होंगे कि देशभक्त कब से मांग करने लगा, ये सवाल उठ रहा है। ऐसा मैडम हम जो ना आर्टिकल 14 के मुताबिक जो समानता अधिकार है वही मांग रहे हैं, हम पे नहीं मांग रहे, उनके अफसर के बराबर पे तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक जो मजिस्ट्रेट है एक जो पीएन है तो पीएन के मजिस्ट्रेट की पे तो बराबर नहीं हो सकती, मगर हम मांग रहे हैं अलाउंसेज, जो अलाउंसेज है सर्दी तो मेरे को जब माइनर 40 में अगर मैं हूँ, मैं सिपाही हूँ और एक कैप्टन साहब या मेजर है, सर्दी तो उसको भी इतनी लगती है, मेरे को भी इतनी लगती है, जबकि मैं तो बंदूक के साथ बाहर खड़ा हूँ, जो मेरे पास तो जन हवा के साथ में जब बर्फ भी लग रही है रोक रही है और एक जो अंदर बुखारी सेक रहा है बुखारी में बैठा तो सर्दी को तो रिस्क किसका ज़्यादा हुआ जो बाहर बंदूक के साथ खड़ा है, तो हमें वही मान कर रिस्क अलाउंस जैसे भी सेम हमारा बराबर होना। अरे सरकार ने अभी तक आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया है, बात हुई है आप लोगों की? नहीं देखो जो है तो आप लोगों से हमारे टीम में जितने भी अपने ये पत्रकार भाई हैं इन लोगों ने हमारी मांग पहुंचाई, ये तो सबको मालूम है वहाँ तक पहुँच तो गई है, क्यों हम पर्सनल भी दे के आए हैं, एमओडी में भी दे के आए हैं, उसके बाद में पीएम ऑफिस में भी दे के आए हैं और रक्षा मंत्री को भी भेजा है हमने अपनी मांग, तो उनको मालूम तो है हमारी मांग। उस तरह से अभी कुछ रुझान आया आप लोगों के? नहीं उस टाइम से ऐसा है देखो जी हर जगह पर जयचंद हमारे देश में कहते हैं जयचंद तो हर जगह होते हैं, कुछ जो है उसमें जो ना भी आपको मालूम 12 तारीख को जो हुई थी रैली आप लोगों को मालूम है, उनमें जो है जो रैली को ऑर्गेनाइज करने वाला हालांकि वो भी आर्मी का हौलदार था, आपको मालूम जो ठाकुर जी हैं वो मंत्री हैं केंद्र में मंत्री हैं उसका भाई ही था,
तो एक पॉलिटिकल बेस ले लिया उन्होंने, हम कभी पॉलिटिकल बेस नहीं ले रहे हैं ना। हम क्या लग रहा है आप लोगों को अपने अधिकार हक क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, कौन रोका टोकी कर रहा है? सबसे बड़ी कमी हमारी थी, क्योंकि आज तक हमने आप लोगों की थी, हमारी गलती ये थी कि हमने जब अपना कोई रिप्रेजेंट ही नहीं किया, किसी को बताया ही नहीं कि हमारी ये मांग है, जब हमारे तक वहाँ तक कोई गया ही नहीं, ना MOD तक पहुँचा ना किसी पास पहुँचा, क्योंकि हमारा जो रैप ही नहीं था कोई इसमें जो है, क्योंकि हमारा जो अधिकारी वर्ग ही जो है कुछ लेके जाता था, जो मांग जो हमारे लेके वही जाता था, उन्होंने हमारी मांग रखी नहीं। हाँ, इन्होंने तो हमारे साथ इसीलिए बोल रहे कि ऑफिसर ने जो डील कर रहा था उसका नाम ले, हम क्लियर नाम ले रहा है, जनरल सतबीर जो कि उसको डील कर रहा था, उन लोगों ने हमें धोखा दिया। मेरी 5 बार रक्षा मंत्री से अभी भेंट हो चुकी उसके बाद भी, तो मैं रक्षा मंत्री का सब फर्स्ट क्वेश्चन यही था मेरा जाने कि साहब आप एक चीज़ बताओ कि जो है पैरा फोर्सेज ने भी आपसे जो ORP मांगी थी, आपने उनको नहीं दी, भला हाँ साहब तो वो 58 लेकर 60 तक सर्विस करते हैं, तो फिर साहब हमारे ऑफिसर भी तो 58 से 60 साल तक सर्विस करते हैं, आप लोगों ने उनको ORP कैसे दे दी? देखिए इनके जितने भी सवाल हैं वो जाहिर तौर पर बेहद जायज़ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदार भीम सिंह। अच्छा सुखदार जी, आप बताइए कितना सहमत हैं आप इनकी बातों से? इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं हमारी भी खामियां थी कि हम उतने जागरूक नहीं रहे। मैं इनसे 200% सहमत हूँ, और हमने अपने अफसर पर विश्वास किया, उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है, ठीक है, आज से नहीं सदियों से तोड़ते आ रहे हैं, वो अंग्रेजों के टाइम में भी तोड़ते थे, हिंदुस्तान में भी आज़ाद होने के बाद भी तोड़ रहे हैं, वो भरोसे के ऊपर ही हम इनके पीछे चल रहे थे, अब भरोसा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब हमारा संगठन अलग से चल रहा है और अब हम अपना हक लेके रहेंगे। लग रहा है मिलेगा, जिस तरह से सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई है, कानों में तो जू तक नहीं रेंग रही है। 5 करोड़ वोटर है हमारे, ये सरकार चुप बैठी है लेकिन अंदर अंदर उनके हलचल हो रखी है। तो सरकार हिला देंगे आप? सरकार क्या, सरकार तो देश हिला देंगे हम, सरकार छोड़ो, जो देश की रक्षा कर सकता है देश को नहीं हिला सकता। बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने, जो देश की रक्षा कर सकता है क्या वो देश को नहीं हिला सकता? लग रहा है कि अब आगे कुछ होगा, और कब तक और बैठने वाले हैं? अभी बैठते जब तक हमारा पूरी मांगे कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक बैठे रहेंगे। मुख्य तौर पे क्या क्या मांगे हैं आपके? मांगे हमारी, मांगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन मांगे हैं एक तो ORP, ठीक है, इन्होंने 2006 के बाद विसंगति आई है, 2000 पहले जो रैंक होता था, जैसे सुखदार रैंक है या सुखदार नगर रैंक है, 28 साल करके आ रहा था उसको सबको एक जैसा पेंशन मिलता था, लेकिन अभी नहीं है ये, अभी हम पुराने लोग हैं, हमको ज़्यादा मिल रही है और आज पेंशन आ रहा उसको कम मिल रही है, और ये कम जानबूझ के षड्यंत्र के तौर पर करी है कि पुराने वालों को तो मिल रही है ज़्यादा, नए वालों को कम कर दो तो पुराने, ये सरकार में बैठे हुए अधिकारी और हमारे अधिकारियों को मिली भगत से हो रहा है ये सब। तो ये मिली हक क्यों नहीं लेने दे रहे वो लोग? हमारा हक सिविलियन के हाथ में दे रखा है, CDR PCDR सिविलियन बैठे हुए हैं वो हमारा हक काट रहे हैं, सारा षड्यंत्र इसमें PCDR CDR का क्या हुआ है? मतलब आप लोगों को पता है फिर भी आप लोग चुप शांत बैठे हैं? शांत अनुशासन इसलिए बैठे हुए हैं, अनुशासन के अंदर हमने रहे हैं इसलिए बैठे हुए हैं, अनुशासन की वजह से हम शांत बैठे हैं और हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहेगा, हम लड़ाई बॉर्डर पे अशांति से लड़ते हैं, जोश से लड़ते हैं, लेकिन यहाँ हम शांति से लड़ेंगे, क्योंकि हमारा देश है, हमारा देश हमारी जान से प्यारा है। देश तो जान से प्यारा है, कुछ समय सीमा निर्धारित करी है आप लोगों के लिए? समय सीमा 40 साल से चल रहा है, तो आगे भी चलते रहेंगे जब तक नहीं मानेंगे। ये मांग जो है ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं उठा रहे, आगे वाले भविष्य, आगे वाले अभी जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मांग है, वो भी आएंगे कल पेंशन। समझदार के लिए सारा काफी, और जाहिर तौर पर जिस तरह से इन लोगों ने बताया कि इन्हें पता था कि कमियां हैं, लेकिन अफसोस है ये लोग चुप्पी साध के बैठे थे, ऑफिसर्स पे भरोसा कर रखा था, लेकिन उन्हीं लोगों ने इनके साथ विश्वासघात किया। ये मामला अगर आप लोगों को लग रहा है कि महज 25 दिनों का है, तो ये 25 दिनों का नहीं है, आप लोगों ने इनकी बात सुन के पता चल गया होगा कि ये लोग अपनी बात सालों से उठा रहे हैं। अफसोसन अगर सरकार अभी भी नहीं सुनती है तो 24 में तख्ता पलट कर देंगे ये लोग, साफ तौर पर कर रहे हैं। भारत माता की जय।